बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा जब भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालती हैं तो उस पर फैंस के अलग अलग रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। कई बार उनके ड्रेसेस को, उनके आउटफिट को, उनके पूरे लुक को पसंद किया जाता है तो कई बार वो ट्रोलिंग का शिकार हो जाती है। एक बार फिर से ऐसा ही हो रहा है। दरअसल मलाइका ने सिल्वर कलर की एक ऐसी ड्रेस पहनी है जिसको देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस भड़क गए हैं। कोई उनकी उम्र को लेकर सवाल उठा रहा है तो कोई कह रहा है कि आपने ये सिल्वर फॉइल क्यों लपेट लिया है। तमाम तरह के रिएक्शंस आए हैं, लेकिन इन सब के बीच ज्यादातर लोग मलाइका को इस ड्रेस को पहनने के बाद ट्रोल कर रहे हैं। जैसे गोविंद राजपूत नाम के एक यूजर ने लिखा, खूबसूरत लुक नहीं डरावना लुक लग रहा है। नरेंद्र सोनी नाम के यूजर ने लिखा, बुढ़ापा आ गया है इसको अब। सोनी सिंह नाम के यूजर ने लिखा, कसम से बहुत बुरी लग रही है। एक और यूजर ने लिखा, जिनका नाम श्रुति है, हमारे यहाँ इनको सुंदरता की मिसाल के लिए पेश किया जाता है, आजकल का फैशन भगवान है कहाँ ऋतु। बहुत सारे यूजर्स ने हंसने वाले इमोजी बनाए हैं। एक और यूजर ने लिखा है, रोटी जैसी लग रही है सिल्वर कवर में लिपटी हुई। पवन चक्रवर्ती नाम के यूजर ने लिखा, अरे ये क्या सिल्वर फॉइल लपेट ली इसने। मयंक तिवारी नाम के यूजर ने लिखा, हे भगवान ये कौन सा प्राणी है, आंटी बुढ़िया गई पर अब क्या ही बोले। एक और यूजर ने लिखा, दादी ये क्या कूड़े उठाने वाली पॉलिथीन ही पहन ली। तो देखा आपने, इसी तरीके से मलाइका अरोड़ा को ट्रोल किया जा रहा है। प्रभात नाम के एक यूजर ने तो हद कर दी, उन्होंने लिखा, मेरे घर की सिल्वर फॉइल चोरी हुई है, किसी को कुछ भी पता चले प्लीज हेल्प करें। इस तरीके से मलाइका को ट्रोल किया जा रहा है, लोग अपनी अपनी राय दे रही है। लेकिन आपको उनकी ड्रेस के बारे में बताते चले, एक वन पीस टाइप ये ड्रेस दिख रही है, सिल्वर कलर की है और इसमें बहुत ज़्यादा डस्की मेकअप मलाइका ने लिया है और यही वजह है कि लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कोई उन्हें एज को लेकर कुछ कह रहा है तो कोई डस्की कलर को लेकर उन पर सवाल उठा रहा है तो कोई उनकी ड्रेस को लेकर उनका मजाक उड़ा रहा है। वैसे स्टार्स का ट्रोल होना कोई नई बात नहीं है। खैर, मलाइका अरोड़ा की ये ड्रेस आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है उस आउटफिट के लिए उनको इस तरह से ट्रोल किया जाना जायज़ है? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें।